वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है। मैटर नहीं करता आप कौन से सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। देखिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण ये सब्जेक्ट अब सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है। पहले इसे थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से सेमेस्टर में हैं, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वन, देन डेफिनेटली ये वीडियो एंड पीडीएफ दोनों ही आपके लिए है। इस पीडीएफ को मैंने हिंदी और इंग्लिश थियोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसके हिसाब से बनाया है। देखिएगा किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिएगा तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं। तो थियोरी बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन्हें मैंने यहाँ पर लगभग 17-18 क्वेश्चंस है तो उनको इस पीडीएफ में जोड़ दिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। आप घबराइएगा मत, एक रील चल रही है ना फेमस कि घबराना नहीं है कुछ भी हो जाए, ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है, दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स इसे पढ़ सकते हैं। देखिएगा फर्स्टली आपको इंग्लिश मीडियम में दिखेगा, देन आप थोड़ा सा स्क्रोल करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होगा इंग्लिश का, देन हिंदी मीडियम में आ जाएगा वही क्वेश्चन विद आंसर। सो फिर इसी तरीके से इंग्लिश हिंदी इस तरीके से 18-19 क्वेश्चन है, लगभग 17-18-19 क्वेश्चन के आसपास है जो इस पीडीएफ में जोड़े हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, ये पीडीएफ इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल भी इन्फॉर्मेटिव लगता है और हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जितने भी मैं पीडीएफ बना रहा हूँ वो सारे के सारे एसएल की बुक से लिए गए क्वेश्चंस है। मैं उन स्टूडेंट्स से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको एसएल की बुक के जो क्वेश्चंस है आप अच्छे से उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं? अगर आप कर पा रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप 100% मार्क्स ले आएंगे। क्योंकि एसएल की बुक के जब आप क्वेश्चन देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगभग 2010 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आप पाएंगे कि सेम क्वेश्चंस है उस एसएल की बुक में, उल्टा बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को मतलब कि मॉडर्न जमाने के तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है। तो जो बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है अच्छे से तो नो डाउट वो बहुत अच्छे से जो क्वेश्चन उनका एग्ज़ाम होगा उन्हें भी दे पाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं बुक के क्वेश्चंस ही सॉल्व करवाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने फ्रेंड को मत सजेस्ट कीजिएगा, जिन्हें ज़रूरत है वो डेफिनेटली देख पाएंगे। वो कहते हैं ना कि बेहतर के चक्कर में बेहतरीन खो देते हैं लोग। आप कहेंगे कि ये बंदा तो बुक्स के क्वेश्चन पढ़ा रहा है तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम और बेहतर और अच्छा ढूंढने की कोशिश करेंगे। वैसे करते करते आपका एग्ज़ाम आएगा और फिर रात को चिंता सताएगी कि भाई कुछ तैयारी ही नहीं की, काश वही क्वेश्चन पढ़ लिए होते जो स्टडी विद सूरज में सूरज बता रहा था। तो कुछ नहीं तो कुछ तो करेंगे और पेपर अच्छे से करेंगे। तो मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं, अच्छे से पेपर कीजिएगा, घबराहट बिल्कुल मत कीजिएगा। मतलब कि पैनिक हो जाते हैं स्टूडेंट की कैसा पेपर आएगा। अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स को घबराहट थी, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को खास तौर पर, कि कैसे करेंगे। इकोनॉमिक्स में मैथमेटिक्स आती है लेकिन कुछ मैथमेटिक्स नहीं थी। आप डाउनलोड कीजिएगा जो क्वेश्चन पेपर था मैक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स का, या फिर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ज़्यादा लंबी बात ना खींचते हुए वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आप देख लीजिएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस है विद आंसर्स। तो डरना नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।